बस वाला आई कार्ड मांग रहा है, तभी आप बस पे चढ़ सकते हो। इस टाइप के जो बस होते हैं ना दिल्ली में। दुकान तो सब बंद लग रहा है यार, यहाँ पे कहीं कोई दुकान ही नहीं है। इधर भैया से पूछता हूँ, थोड़ा केक का दुकान है। ये कहीं केक का दुकान है क्या भैया? केक का दुकान है कहीं? खुला बंद है भैया को मालूम ही नहीं है यार। अभी इधर तो जा नहीं सकते हैं, पूरा कीचड़ हुआ पड़ा है, इधर ही देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉगर। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। सो गाइस, बारिश भी हो रही है और ठंड भी पड़ रही है, तो आप देख सकते हो टोपी वगैरह लगाए हुए हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैं केक क्यों ढूंढ रहा हूँ? तो यार मेरा जो छोटा भाई उसका बर्थडे है आज, उसके लिए केक ढूंढ रहा हूँ। बट यहाँ लॉकडाउन पड़ा तो केक कहीं मिल नहीं रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ उसके फ्लैट पे, बट देखता हूँ उससे पहले केक अगर मिलता है तो लेके जाऊँगा केक। कोशिश करता हूँ कि मिल जाए, है ना, क्योंकि मैं उससे बात हुआ था, उधर भी बंद है सारा मार्केट। उम्मीद तो है कि इधर मिल जाएगा केक, क्योंकि इधर मार्केट वगैरह खुले हुए हैं। तो उसको बताया नहीं हूँ कि मैं केक लेके आऊँगा, एक सरप्राइज रहेगा। बोल दिया हूँ कि इधर भी नहीं मिल रहा केक, मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। बट देखता हूँ कि ये चॉकलेट केक बढ़िया होगा। बहुत मुश्किल से एक केक का दुकान दिखा है यहाँ पे, है ना। तो अभी देखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा केक है। ऊपर वाला नहीं पसंद है, ऊपर वाला मिल जाएगा और इस टाइप का? हाँ इतना बड़ा, ठीक है यही दे दीजिए यार। तो गाइस फाइनली केक का दुकान मिल गया। यहाँ पे कैप वगैरह भी है, तो कैप वगैरह तो उतना नहीं है, बट फिर भी केक लेके चलूंगा वही, और देखता हूँ और क्या ले सकता हूँ। चलो, तो दो तीन केक ही बचा है, बाकी सब केक बिक गया। अभी एक भैया लाने गया केक, तो फिर वो लाएंगे तब मैं केक लूँगा और फिर निकलूँगा यहाँ। तो गाइस केक तो ले लिया हूँ, पर ऐसा लगा था कि केक नहीं मिलेगा, बट मिल गया। अब जाता हूँ केक काटता हूँ, फिर दो तीन घंटे वहाँ रहूँगा, फिर मैं आपको चलाऊँगा। मेन मार्केट्स हैं सब्जी वगैरह के, ये खुले हैं, बाकी ज़्यादा उतना मार्केट खुला हुआ नहीं, उतना भीड़ नहीं है जो नॉर्मली होता है। तो सही है यार, कोविड में बंद रहना ही जरूरी है। यहाँ पे तो सिर्फ बस चल रहा है, देखो पूरा खाली है। और जो पैसेंजर गाड़ी होती है वो नहीं है, और ओला वगैरह बुक कर सकते हो, ये ऑटो ले सकते हो। तो ऑटो वाले बहुत चार्ज कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ बस का, अगर बस आएगा तब मैं देखता हूँ। तो दिल्ली का हाल कोरोना में, मतलब लॉकडाउन में ऐसा हो पड़ा है सर, आज रात तक लॉकडाउन है। फिर देखता हूँ बस कब तक आती है, कब तक नहीं आती है। बहुत लेट से आती है यार, बस बहुत लेट से आती है, बहुत दिक्कत है यार। देखो यहाँ पे कोई दूर दूर तक बस नहीं दिख रहा है, और मतलब कितना आदमी वेट करेगा जो जॉब। हाँ एक बस तो आ रही है, ग्रीन कलर वाली एक बस तो आ रही है यार। यहाँ बस रुकती है क्या? संत कुछ पहुंच गया यार, बस वाला आई कार्ड मांग रहा है, तभी आप बस पे चढ़ सकते हो। इस टाइप के जो बस होते हैं ना दिल्ली में, अगर आपको बस में ट्रैवल करना है तो आपको बस आईडी कार्ड होना चाहिए। मेरे पास आईडी कार्ड था नहीं यार, है ना, तो मैं सोचा कि कैब ले लेता हूँ। मैं कैब से आया हूँ, अभी जस्ट मैं उतर चुका हूँ, और यहाँ का भी हाल दिखाता हूँ यार। पूरा सुनसान पड़ा हुआ है एकदम, ये देख लो पूरा दुकानें वगैरह सब कुछ बंद है, सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ रोड पे। और ये देख लो पूरा सुनसनाटा है, कहीं पे कुछ नहीं है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है वो है। एक तो गाइस मौसम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग किया हुआ है, और टाइम जो डिप्रेसिंग चल ही रहा है, 2022 भी लगता है ऐसे ही गुजर जाएगा कोरोना के चक्कर में। सब डिप्रेसिंग माहौल आते रहता है, बट आप खुश रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिमांशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिमांशु, Happy birthday to you. Thank you so much. Happy birthday to you. बस हो गया, इधर सबके ले ले, सबका ले ले बस। वाओ, इसमें से ही ले लो सब थोड़ा थोड़ा, है ना। हां ठीक है। Happy birthday to तू जाले स्नैपचैट फिल्टर। Happy birthday to Himanshu। चलो। Happy birthday to you। जान तेरी यारा वे।